एक बार टू टू ट्रेन्स ए एंड बी साइमल्टेनियस स्टार्ट मूविंग अलोंग द पैरेलल ट्रैक्स, ठीक है, फ्रॉम स्टेशन अलोंग द सेम डायरेक्शन। तो ए और बी एक ही ट्रैक पर है, अलोंग द सेम डायरेक्शन। ए स्टार्ट विद कॉन्स्टेंट एक्सलरेशन, ए का जो एक्सलरेशन है वो कॉन्स्टेंट है, वाइल बी इज विद द सेम एक्सलरेशन बट विद इनिशियल वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकेंड। तो इसलिए बी आगे चलेगी, ए की तो एक्सलरेशन तो दोनों का सेम है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, बट बी के पास इनिशियल वेलोसिटी भी थी, ठीक है ना। तो बी आगे चलेगी, ए पीछे चलेगा। तो 20 सेकेंड्स आफ्टर द स्टार्ट पैसेंजर ऑफ कैपिटल ए हियर्स द हॉर्न ऑफ कैपिटल बी। 20 सेकेंड बाद पैसेंजर ए के पैसेंजर को बी का हॉर्न सुनाई देता है, ठीक है ना। फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेसल इज एफ नॉट, वेलोसिटी ऑफ साउंड इज वी। तो आपको ऑब्जर्व बाय द पैसेंजर देखनी है, फ्रीक्वेंसी कितनी पैसेंजर को ए के लगेगी, ठीक है ना। देखो ये सिचुएशन है, तो मान लो कि टी इक्वल टू 20 सेकेंड पर जो इसके पास साउंड पहुंच रही है, ठीक है ना, 20 सेकेंड लिखा हुआ है ना। तो 20 सेकेंड पर जो साउंड ए के पास पहुंच रही है, टी इक्वल टू 0 पे स्टार्टिंग हुई है दोनों की, बट 20 सेकेंड पर जो साउंड इसके पास पहुंच रही है, मान लो वो बी से टी टाइम पर निकली है, ठीक है बेटा। ये चीज एकदम कि 20 सेकेंड पर जो साउंड ए के पास पहुंच रही है, ठीक है, वो आपकी कितने किस टाइम पर निकली है, बी से टी टाइम पर निकली है। तो टी टाइम पर दोनों की पोजीशन लिख सकता हूँ, मतलब टी टाइम पर ये वेलोसिटी कितनी हो जाएगी इसकी, 2t हो जाएगी। बी की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, उसका भी एक्सलरेशन वही है, बस 40t + 2t हो जाएगी, बी की स्पीड ज्यादा होगी, ठीक है ना। तो अब देखो अब क्या होगा, टी टाइम पर यहाँ से साउंड निकली है, तो जब निकली है साउंड दोनों के बीच की डिस्टेंस मान ली मैंने डी है, तो अब 20 - t टाइम में ये पूरी डिस्टेंस साउंड कवर करेगी प्लस ए कवर करेगा। ये बात क्लियर है क्या आपको, लेट बी साउंड्स हॉर्न विच आफ्टर एंड आफ्टर टाइम टी विच इज हर्ड बाई कैपिटल ए एट टी इक्वल्स टू 20 सेकेंड। ये जो डिस्टेंस डी होगी, पहले तो ये लिख लो कितनी होगी, इसकी डिस्टेंस ट्रेवल कितनी है 40t + ½at² इसकी कितनी होगी -0 इनिशियल वेलोसिटी ½t², तो 40 × t होगी ये बीच की डिस्टेंस। अब ये डिस्टेंस कवर होगी, ए करेगा आगे और साउंड भी चल रही है, ठीक है, कितनी देर में कवर करेगा 20 - t सेकेंड में, डिस्टेंस बाई ए प्लस डिस्टेंस बाई साउंड इक्वल टू डी। तो बहुत ही सिंपल कर दिया मैंने, देखो आपको दिक्कत तो नहीं हो रही, कि मैंने मान लिया कि 20 सेकेंड पर जो साउंड रिसीव हो रही है ए के पास, ये जो 20 सेकेंड पर साउंड रिसीव कर रहा है, ठीक है ना, ये 20 सेकेंड पर जो साउंड रिसीव कर रहा है वो बी से कब निकली है, मान लो कुछ टी टाइम पर निकली है, तो टी माइनस ट्वेंटी तो 20 - t में वो ए के पास पहुंच जाएगी, ठीक है ना। बट ए और बी के बीच की उस टाइम पर डिस्टेंस कितनी होगी जब वह साउंड एमिट हुई है बी से, वो निकालने के लिए कर लिया कि ये कितना चलेगा, ut + ½at² या ½t², डिफरेंस ले लो 40 × t, बस आप ए की डिस्टेंस ट्रेवल प्लस डिस्टेंस बाई साउंड इन टाइम इंटरवल 20 - t शुड बी इक्वल टू टी। तो टी निकल के आ जाएगा, ए की वेरिएबल टी दिख रहा है मुझे, और कुछ दिख नहीं रहा। डी की जगह 40 × t डालोगे, डिस्टेंस बाई साउंड पता है आपको 20 - t में कितना ट्रेवल करेगा, स्पीड ऑफ साउंड × 20 - t, डिस्टेंस बाई ए कितनी होगी, तो ए की इस टाइम पर वेलोसिटी कितनी है, 2t है इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है ना। और आप इसको लिख दो 20 - t के बाद कितनी होगी, ऐसे आप डायरेक्टली 20 - t पे लिख दो, कोई बात नहीं। देखो ये तो 2t इनिशियल वेलोसिटी है, और 20 - t में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, इतनी ut + ½at², और वो कितनी ट्रेवल करेगा, 320 × 20 - t इक्वल टू 40 × t। ये तो पेज नंबर है, इससे कंफ्यूज होता है, 40 × t, क्लियर है बेटा एकदम। दोबारा देख लो, जब बी से साउंड एमिट हुई है तब कितनी डिस्टेंस है दोनों के बीच, डी है, तो ये डिस्टेंस कितने टाइम में कवर होनी है, 20 - t में, 20 - t में ये कितना चलेगा, इनिशियल वेलोसिटी × 20 - t प्लस ½at² का स्क्वायर, वो कितना चलेगा, साउंड जो चल रही है, साउंड बी नहीं चल रहा, साउंड चल रही है, साउंड को मिलना है इसे, ठीक है। तो साउंड कितना चलेगी, स्पीड ऑफ साउंड × 20 - t, ठीक है।
देखो ये 320 × 20 − t = 40 × t, तो ये टी में क्वाड्रेटिक बन गई। तो आप सॉल्व कर लो इसके लिए, टी कितना आ जाएगा, 18 सेकेंड आ जाएगा, ठीक है ना। एक वैल्यू नेगेटिव आती होगी। तो एट टाइम ऑफ रिसीविंग द स्पीड ऑफ ए, एट टाइम ऑफ रिसीविंग, अब दोनों की स्पीड निकाल लो, 20, ए की स्पीड कितनी है, 2 × 20, 40 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और टाइम ऑफ स्पीड ऑफ बी कितनी है, टाइम ऑफ साउंडिंग, मतलब जब इससे साउंड वेव एमिट हुई है, ठीक है ना। टाइम ऑफ साउंडिंग मतलब बी से जब वेव एमिट हो रही है उस टाइम पर, स्पीड ऑफ बी कितनी होगी, 40 + 2 × इनिशियल वेलोसिटी 40 थी, एक्सेलरेशन 2 था और 18, तो ये इतनी सी हुई, ठीक है ना। तो 20 सेकेंड पर इसकी स्पीड रिसीविंग वाले की, और 18 सेकेंड पर वो एमिट हुई थी, तो 18 सेकेंड पर इसकी स्पीड। तो बस अब आपका डायरेक्ट है, F × V + 40 ऑब्जर्वर की एट द टाइम ऑफ रिसीविंग स्पीड अपॉन इसकी, ये कम करेगा, दूर जा रहा है क्योंकि, तो V + 76 इसकी आ जाएगी। अब आपके पास F और V गिवेन होगा, तो आप निकाल लेंगे कितनी फ्रीक्वेंसी रिसीव कर रहा है। बट बात वही है कि सोर्स की कब निकालें, जब एमिट हुई है, और ऑब्जर्वर की स्पीड कब लें, जब रिसीव कर रहा है, वही किया है मैंने भी, ठीक है। तो डाउट तो नहीं है बेटा किसी को इसमें, चीजें सिंपल थी समझ में।